आज का हमारा टॉपिक है पाइलोन और टी बिल प्लेफोन फ्रैक्चर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पाइलोन या टी बिल प्लेफोन फ्रैक्चर किसे कहते हैं। तो हेयर इज अवर डेफिनेशन। वेन एवर देर इज अ फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल टीबिया, मतलब जब भी डिस्टल टीबिया का फ्रैक्चर होगा हम उसे पाइलोन फ्रैक्चर कहेंगे या टी बिल प्लेफोन फ्रैक्चर कहेंगे। ठीक है। वेन एवर देर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल टीबिया वी कॉल इट पाइलोन फ्रैक्चर, विच इज ऑल्सो नोन एज टी बी एल प्लेफोन फ्रैक्चर एंड इट इज क्लासीफाइड बाई रेडी अलगोवर क्लासिफिकेशन। तो रेडी अलगोवर क्लासिफिकेशन की तीन टाइप्स हैं, टाइप 1, 2, 3। टाइप 1 में डिस्टल टीबिया का फ्रैक्चर होगा लेकिन ये फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है। और जो जॉइंट की कंगुरुटी है वो मेंटेन रहेगी, मतलब जो जॉइंट की तरतीब है वो मेंटेन रहेगी, जॉइंट डिस्ट्रप्शन नहीं होगी इसमें। टाइप 2 में मिनिमल इंपेक्शन और कम्युनेशन होगी, जो फ्रैक्चर होगा डिस्टल टीबिया का उसमें मिनिमल इंपेक्शन होगी या कम्युनेशन होगी और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट होगी। तीसरे नंबर पर जो जॉइंट की तरतीब है, जो कंगुरुटी ऑफ द जॉइंट है वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। टाइप 3 में डिस्टल टीबिया फ्रैक्चर विथ सिवियर कम्युनेशन, जो फ्रैक्चर होगा वो सिवियर कम्युनेशन के साथ प्रेजेंट करेगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी और जो जॉइंट कॉन्गुलिटी है वो सिवियरली डिस्टर्बड हो जाएगी। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रेडी एंड अलगोवर क्लासिफिकेशन देर आर 3 टाइप्स। इन टाइप 1 अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर विथ मेंटेन जॉइंट कॉन्गुलिटी। सो हियर यू कैन सी दैट इन टाइप 1 देर इज अ डिस्टल टीबिया फ्रैक्चर विच इज अनडिस्प्लेस्ड एंड द जॉइंट कॉन्गुलिटी इज मेंटेन्ड। इन टाइप 2 मिनिमल इंपेक्शन आर कम्युनेशन विथ लॉस ऑफ जॉइंट कॉन्गुलिटी, यहाँ पर मिनिमल इंपेक्शन आर कम्युनेशन है विथ लॉस ऑफ जॉइंट कॉन्गुलिटी। इन टाइप 3 देर विल बी सिवियर कम्युनेशन विथ मेटाफाइजियल इंपेक्शन। सो हेयर यू कैन सी दैट देर इज अ सिवियर कम्युनेशन प्रेजेंट एट द डिस्टल टीबिया एंड द मेटाफाइजियल एरिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व विच कॉज मेटाफाइजियल इंफेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडी एंड अलगोवर क्लासिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।